दोस्तों, ये पोकेमॉन के बारे में मैथोलॉजी में ये बोला गया है कि ये पोकेमॉन जमीन और महाद्वीप को बनाया है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट के एक्सप्लेन लेजेंडरी सीरीज में, और आज हम बात करने वाले हैं वेदर ट्रायो का पहला मेंबर ग्राउडन के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों, ग्राउडन एक ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कोई भी इवोल्यूशन फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका एक प्राइमल फॉर्म है जिसका नाम प्राइमल ग्राउडन है। जब जब ग्राउडन रेड ऑप्स को पकड़ता है तब वो प्राइमल ग्राउडन में चेंज हो जाता है। ग्राउडन का इतना एबिलिटी है कि ये महाद्वीप को भी बना सकता है। प्राचीन के समय में ग्राउडन का एक बार कैगोरी के साथ बैटल हो गया था। ये पोकेमॉन वेदर ट्रायो का एक मेंबर भी है जिसमें 3 पोकेमॉन आते हैं जिनका नाम कैगोरी, ग्राउडन और रैक्वासा है। ये पोकेमॉन का नाम 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, पहला ग्राउंड और दूसरा डॉन। यहाँ ग्राउंड का मतलब जमीन होता है और डॉन का मतलब स्पेनिश में लॉर्ड होता है। दोस्तों, ग्राउडन को हिब्रू मैथोलॉजी के बहमूद के ऊपर बेस करके बनाया गया है, क्योंकि बहमूद भी लैंड से यानी जमीन से बिलोंग्स करता था, और हिब्रू मैथोलॉजी में ये कहा गया है कि बहमूद और लेविस्तान जिस तरीके से बैटल किए थे उसी तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड में ग्राउडन और कैगोरी भी बैटल किए थे। ये पोकेमॉन बहुत बड़ा और डायनासोर जैसा दिखने वाला एक पोकेमॉन है जिसका बॉडी ऊपर की तरफ से रेड कलर से कवर हुआ है और अंदर से ग्रे कलर का है। इसका बॉडी में बहुत सारे नुकीले प्लेट्स भी हैं जो कि एक आर्मर की तरह काम करते हैं। ये पोकेमॉन के पूरे बॉडी के साइड से व्हाइट कलर का स्पाइक्स निकले हुए हैं। इसके दोनों हाथ में 4 बड़े बड़े नुकीले नाखून भी हैं और दोनों पैर में भी 3-3 नुकीले नाखून हैं। जब ग्राउडन अपने प्राइमल फॉर्म में आ जाता है तो हमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका प्राइमल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा लंबा है। इसका बॉडी का कलर डीप रेड से डीप क्रिम्सन में चेंज हो जाता है और इसके स्पाइक्स टीथ ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। इसके आर्म्स में भी एक ओमेगा सिंबल भी आ जाता है। इसके आँख और भी बड़े हो जाते हैं और येल्लो कलर होके चमकने लगते हैं। प्राइमल फॉर्म में ग्राउडन का बॉडी बहुत ही हाई टेम्परेचर में हो जाता है। दोस्तों, एनिमे में ये कहा गया है कि प्राइमल ग्राउडन जहाँ जहाँ अपना कदम गिराता है वहाँ एक नया जमीन का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ग्राउडन एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। इसका इतना एबिलिटी है कि ये कोई भी ज्वालामुखी को आसानी से जब चाहे तब विस्फोट कर सकता है। साथ में ये पोकेमॉन हरे भरे पानी वाला जमीन को भी बंजर बना सकता है, क्योंकि इसका इतना एबिलिटी है कि ये पोकेमॉन पानी को भी सुखा सकता है। ये पोकेमॉन ज्यादा करके मैग्मा चैम्बर में सोता है जो कि जमीन के अंडरग्राउंड में होता है। ग्राउडन ही सिर्फ एक ऐसा पोकेमॉन है प्रिंसिपाइस ब्लेड मूव को जानता है। ये पोकेमॉन सिर्फ उन लोगों का मदद करता है जो फ्लॉट यानी बार से परेशान होते हैं। ये पोकेमॉन सभी फायर टाइप पोकेमॉन में से सबसे बड़ा पोकेमॉन है और साथ में सबसे हेवीएस्ट ग्राउंड टाइप और फायर टाइप पोकेमॉन भी है। ये पोकेमॉन को कॉन्टिनेंट्स पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। ग्राउडन का सभी ग्राउंड टाइप और फायर टाइप पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा बेस अटैक स्टेटस है। दोस्तों, ग्राउडन का सबसे पहला मेजर अपीयरेंस जिराची विस मेकर में हुआ था, जहाँ टीम मैग्मा का एक साइंटिस्ट जिसका नाम बटलर था वो मिलेनियम फेस्टिवल में एक मैजिशियन के हिसाब से काम कर रहा था। इस मूवी में टीम मैग्मा के प्लान के हिसाब से एक फॉल्स ग्राउडन को क्रिएट किया जाता है जो कि एक इविल था, लेकिन एंडिंग में जिराची डूम डेजर यूज करके फॉल्स ग्राउडन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ग्राउडन का मेन सीरीज में भी डेब्यूट हुआ था जिसका नाम गेनिंग ग्राउडन था। इस सीरीज में टीम एक्वा ग्राउडन को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन सही ऑप्स ना होने के कारण ग्राउडन को वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इसी के वजह से टीम एक्वा टीम मैग्मा के साथ एक सौदा करना चाहते थे, क्योंकि उसी समय टीम मैग्मा के पास कैगोरी था। पोकेमॉन जेनरेशन सीरीज के द विजन एपिसोड में प्राइमल ग्राउडन का भी एपिरेंस हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों, यही था लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट
पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।